हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज एग रोल, जो कि सब्स्टिट्यूट है एग रोल का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और नाश्ते में हम खा सकते हैं, और ये विदाउट ऑयल है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। चलो बनाते हैं, लेट्स गो। ये है न्यूट्री, जो कि जिसको मैंने 2 से 4 घंटे तक भिगो के रखा है, और इसके बाद हम इसको सोक करके दूसरी प्लेट में ऐसे रख देंगे, और ऐसे करके सारी के सारे हम बहुत अच्छे से सोक कर लेना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ दो ऑनियंस हैं वो मैंने एक रिंग्स की तरह है वो काट चुकी हूँ, और इसमें मैंने एक लंबे लंबे प्याज जो कि हमें सॉटे करने हैं वेजिटेबल्स, मैंने एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक अनियन है वो लंबा लंबा करके उसको काटा है। तो वेज ऑमलेट बनाने के लिए जो ये मैंने रवा लिया है, ये बारीक रवा होता है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून, जो कि बड़े टेबल स्पून होते हैं, वो 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं रवा की, और उसमें मैंने 1 स्पून, आप इतना ही लोगे, बड़ा टेबल स्पून मैंने लिए है दही, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक स्वाद अनुसार तो नहीं डालना है, बहुत कम डालना है क्योंकि आपकी जो वेजीज है उसमें भी नमक होगा, और थोड़ी सी मिर्च डाल लेनी है। दैट्स इसे से घोलना है, मिक्स कर लेना है। हम देख सकते हैं ये ऐसा हो गया है, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी अपने, और ज़्यादा पानी, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देते हैं क्योंकि जो सूजी है वो क्या है, वो फूलती है, तो आप थोड़ा सा पानी अभी डाल के रखें और इसको 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल पतली रखी है, जब मैं आपको आधे घंटे बाद दिखाऊंगी तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगा। गाइस, अब इसका डो बनाने के लिए मैंने 2 से 2.5 कप इसको आटा लेना है, और जैसे हम हेल्दी बना रहे हैं तो हमें इसमें मैदा नहीं मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप मैदा मिक्स करेंगे तो इसका जो पर्पस है, एक हेल्दी फूड का पर्पस है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें आटा लेना है छान के, या मल्टीग्रीन आटा आप ले सकते हो, जौन सा मर्जी आटा। तो इसमें हम लोग अंदाजे से, मैं डालती हूँ इसमें हम लोग सूजी मिक्स करेंगे, करीबन 1 कप हम इसमें जो सूजी है वो मिक्स करेंगे, हमने जो मिक्स की है सूजी, थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे, पूरा 1 कप जो होता है वो सूजी का हम इसमें मिक्स करेंगे, और इसका अब हम डो बनाएंगे। जो घुल चुका है तो इसमें जो थोड़ा सा जो है देसी घी लगा के इसको थोड़ा सा हम लोग और इसको ऐसे कर लेंगे, ये डो प्रिपेयर हो चुके ना, तो ये ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, फॉर्मली जैसे हम लोग रोटी का आटा गूंधते हैं तो उस तरह का होना चाहिए डो। तो ये डो हमारा रेडी है, तो इस आटे को भी हम ढक देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, और इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब मैंने ये छोटी सी कढ़ाई है नॉन स्टिक की, वो रख ली चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल अपनी मतलब 1 चम्मच बहुत है, सिर्फ उन्हें सॉटे करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मेन पर्पज है हेल्दी फूड वो हमें अवॉइड नहीं करना है, तो आप इतना सा ऑयल डालें। ये जर्नी मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, इसको अब थोड़ा सा हम गर्म होने के लिए हैं वो रख देंगे। जो हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, तो ये जो सारी मैंने वेजीज हैं वो जो एक साथ ही काट के रखी थी, तो आप इसमें डाल देंगे और इसको सॉटे करेंगे जब तक ये पकना जाए। थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच छोटा टीस्पून नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं, किसी को थोड़ा तेज पसंद होता है, किसी को हल्का पसंद होता है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी लाल मिर्च अवॉइड कीजिए, बट ठीक है, आप कलर लाने के लिए इसको डाल सकते हैं, और आधा जो टीस्पून, स्मॉल टीस्पून है, आप इसमें हल्दी डालिए, ये बहुत अच्छा कलर है जो कि येलो कलर लेके आएगी। जिसको और ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो हरी मिर्चें ज़रूर डालेंगे इसमें, जो कि बहुत अच्छा स्वाद देती हैं, क्योंकि बहुत जो स्पाइसी होता है वो ज़्यादा टेस्टी अच्छा लगता है। और इसको घुमा दीजिए, जब इसमें हम सोल्ट डाल देते हैं तो प्याज है जो ऑनियन है तो वो पानी छोड़ देता है, और फिर जल्दी पकते हैं।
वेजेस जल्दी पक जाती हैं। तो आप देखिए जो न्यूट्री थी मैंने वो ऐसे ग्राइंड कर दी है, तो इसको हम ये थोड़ा थोड़ा पक चुका है, अब इसको हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। तो हमारा ये जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको दो तीन मिनट के लिए सोटे करना है, जब इसमें हम डाल देंगे इसको तो हमारी ये पक जाएगी। तो मैंने अब जो वेज ऑमलेट बनाने के लिए मैंने पैन रख लिया है, आप इसमें ऑयल ना यूज़ करें तो वो बेटर है, बिकॉज ऑयल यूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत ऑयल यूज़ करना है वो कर सकता है। तो हमारा पैन है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें धुआं होने लगे, तो आप जो ये अब बैटर देखो अब ठीक हो चुका है, पहले बहुत थिन था अब ठीक हो चुका है। अब देखो इसको पलटा, ये आराम से पलटा जाता है, इसमें कभी ये नहीं जलता नहीं है, तो आप ऐसे इसको मस्त कर सकते हो। तो आप नीचे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी अच्छे बहुत अच्छा कलर आया है, ठीक है। अगर आपको नेचुरली ऐसे ऑमलेट खाना है तो आप सेम ऐसे करके इसमें टमाटर प्याज कोई भी वेजी आप डाल के इसको ऐसे सेक सकते हो, लेकिन बहुत टेस्टी बन जाता है। ये जल्दी पक ही चुका है, हम इसको इसमें निकाल देते हैं। मेरा फिर से पचका हो गया, मैं इसमें ऐसे छन्ना लगाने लगी थी तो मेरा यहाँ से टूट गया उठाते हुए, लापरवाही से उठाया, पर कोई बात नहीं, देर की बात है। तो मैं तवा रख दिया है, अब ये डो भी बहुत प्यारा हो गया है पता है, रख के देखो मैंने बोला था ना कि आप 15 से 20 मिनट रखोगे तो ये मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, तो बहुत प्यारा बहुत मुलायम डो हो गया। हमने जो ये पेड़ा लेना है वो जमी उतना ही लेना है जितना हम एक रोटी का बनाने के लिए लेते हैं। तो जमी जो रोटी जो बनानी है वो साइज जो है एक नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी बनानी है, और आपको ये ज्यादा पकने नहीं दे रहा है तब इसको पलट देना है। देख सकते हैं मैंने पलट दी है और यहाँ से भी ऐसी हो गई है, बस इसको हम ऐसे उतार देंगे, इतनी ही सिकी होनी चाहिए। दूसरी रोटी है इस तरह, सिर्फ इतनी ही सेक पाऊंगा। रोटी है जो कि हमने ऐसे ली थी उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे घुमाते रहना और फिर ऐसे, बिकॉज ऑयल ताकि वो पीछे की तरफ भी लग जाए, अगर हाथ जले तो आप चम्मच भी यूज कर सकते हैं। वेरी लेस, क्योंकि जब हम हल्दी की बात करते हैं कि वो होना भी लेस ही चाहिए, आप ऐसे से घुमाते जाइए तो इसका रोटी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये दो रोल्स हैं वो मैंने रख लिए हैं, सबसे पहले हम इस पर हम थोड़ी सी चटनी लगाएंगे जो कि नॉर्मल जो घर पे बनती है पुदीने वगैरह की चटनी है वो है, वो बनती है। आप एक साइड भी लगाए, हाफ साइड भी लगा सकते हैं इसको रोल करने के लिए, इट्स यू नो। तो हम उसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने ये बनाया था काइंड ऑफ ऑमलेट, उसके ऊपर हम ये रेड सॉस लगाएंगे, इट्स काइंड ऑफ जितना आपको अच्छा लगे उतना आप लगा सकते हैं, किसी को ज़्यादा सॉस पसंद है किसी को कम पसंद है। बाद हम ये जो वेजीज जिसका हम बोलते हैं न्यूट्री वाली हम जो बनाई हैं वो हम लगा देंगे, ये ठंडी हो चुकी है आप हाथ के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ी और हरी चटनी लगाएं क्योंकि बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा उससे आपका, थोड़े से प्याज, रोल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, आप जरूर इसको घर में ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी और यम्मी होते हैं। और जिसको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।